नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एडजेट का सर्विस की इस वीडियो में। मैं अभिजीत और आज का ये जो वीडियो है ये शेवरोलेट वीट के ऊपर है और इस गाड़ी में जो प्रॉब्लम है, गाड़ी बहुत ज़्यादा लॉन्ग रैंकिंग, मतलब कस्टमर जब गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारा राउंड लेने के बाद गाड़ी स्टार्ट हो रहा है, बट आपको लगेगा कि शायद छोड़ देना ही बेस्ट है। बहुत ज़्यादा क्रैंकिंग होने के बाद, सेल बहुत ज़्यादा लेने के बाद स्टार्ट हो रहा है, प्रॉब्लम यही है। आगे मैं आपको प्रॉब्लम दिखाता हूँ और इसके बाद डायग्नोसिस। अभी मैं गाड़ी का जो इग्निशन है वो इग्निशन को ऑन कर लिया और ये गाड़ी कुछ 36,229 किलोमीटर चला है। अब इस कंडीशन में मैं गाड़ी को बस क्रैंक करके आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी में जो प्रॉब्लम हो रहा है। स्टार्ट नहीं हुआ, इतना देर मारने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ। ये स्टार्ट हुआ, मतलब बहुत ही ज्यादा लॉन्ग क्रैंकिंग ले रहा है। वैसे हाँ, पेट्रोल गाड़ी है और पेट्रोल गाड़ी में इस तरह से इतना ज्यादा लॉन्ग क्रैंकिंग ले रहा है तो दैट मीन्स के देखिए, नॉर्मली पेट्रोल गाड़ी में अगर फ्यूल प्रेशर नहीं होगा तो तब भी लॉन्ग क्रैंकिंग होगा। अगर गाड़ी का कंप्रेशन डाउन है तब भी लॉन्ग क्रैंकिंग होगा। और उसके साथ साथ अगर कोई भी सेंसर प्रॉब्लम करेगा, जैसा कि मान लीजिए अगर CMP सेंसर, CKP सेंसर, ऐसा कुछ मेजर सेंसर रहता है जो अगर आपका प्रॉपरली काम नहीं करेगा तो उस कंडीशन में भी गाड़ी में लॉन्ग क्रैंकिंग होने की चांसेस है। तो इसको डायग्नोसिस करने के लिए मुझे सबसे पहले गाड़ी में स्कैनर लगाना है और स्कैनर लगा के, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी जो इंजन का चेक लैंप है, ये चेक लैंप ऑन है, तो दैट मीन्स गाड़ी में कुछ इलेक्ट्रिकली ट्रैवल हुआ है। तो अभी हम इसको पहले स्कैन करके डायग्नोस करेंगे कि इसमें कोड क्या आ रहा है। तो दोस्तों, अभी गाड़ी को स्कैन करने के लिए मैं अपना जो लॉन्च का स्कैन प्लस एक्स टूल से उसको OBD2 में कनेक्ट कर लिया और अभी गाड़ी को ऑटोमेटिकली सर्च करेंगे। यस, टर्न द इग्निशन की, ओके। ये ऑटोमेटिक अगर उठा लेता है तो बेस्ट है, नहीं तो हाँ उठा लिया, ओके। यस, अब सिस्टम सिलेक्शन, इंजन कंट्रोल मॉड्यूल ECM 1.2, नॉट इक्विप्ड, रीड फॉल्ट कोड। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि दो कोड ऑलरेडी मेरा शो कर रहा है। एक तो फर्स्ट वन इज इंटेक मैनिफोल्ड रनर कंट्रोल वाल्व कंट्रोल सर्किट लो वोल्टेज एंड द सेकंड वन इज इंटेक कैमशाफ्ट पोजीशन सर्किट लो वोल्टेज। तो यहाँ पे जो ये सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला जो है इसके लिए गाड़ी स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं होगा, बट सेकेंड वाला जो है इंटेक कैमशाफ्ट पोजीशन सेंसर सर्किट लो वोल्टेज, इसके लिए गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम होने की बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो फिलहाल ये जो इंटेक कैमशाफ्ट की ये कोड मेरे को शो कर रहा है, आप चाहे तो एक बार दोनों को इरेज करके देख सकते हैं, बट एक्चुअली क्या है कि कैमशाफ्ट की जो डेटा है ये मुझे मिलेगा नहीं, तो मुझे एक बार पहले इसको इरेज करके देखना है। सॉरी, रीड फॉल्ट कोड में गलती से कर दिया, क्लियर फॉल्ट कोड, यस। तो फॉल्ट कोड क्लियर हो गया है, ओके। अब अगेन मैं विदाउट स्टार्टिंग कंडीशन में एक बार ये जो कोड है ISA का रनर कंट्रोल का, तो ये कोड अभी भी वापस आ रहा है, तो इसमें मे बी वायर कटवर्ट होने की चांसेस है। लेकिन कस्टमर का जो इशू है, गाड़ी मेरा स्टार्टिंग प्रॉब्लम है और मैं आज का जो मेन वीडियो बना रहा हूँ कि स्टार्टिंग प्रॉब्लम के ऊपर, तो इसके साथ स्टार्टिंग प्रॉब्लम का रिलेशन नहीं है। अब मैं गाड़ी को सिंपली बैक किया और गाड़ी को एक बार पहले जो कोड आ रहा था गाड़ी स्टार्ट करके देखते हैं। गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ, नहीं हुआ स्टार्ट, सेम प्रॉब्लम आ रहा है। तो मैं फिर एक बार इसको रीड फॉल्ट कोड करता हूँ। अभी तक चेक इंजन या फिर चेक इंजन का जो लैंप है
ये स्टार्ट हुआ फाइनली। मतलब अपने आप को लगेगा कि शायद सेल्फ दया मांगेगा, छोड़ दो हमको। सॉरी रीड फॉल्ट कोड, ये देखिए कैप्चर पोजीशन सेंसर सर्किट का जो कोड है ये भी वापस चला आया, तो इसमें भी प्रॉब्लम है और जिसके चलते गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो रहा है। ओके अब इस कैमशाफ्ट सेंसर को हम चेक करते हैं। चेक करने के लिए हमें इसकी जो एयर क्लीनर का ये होर्स दिख रहा है इसको पहले खोलना है। आप चाहें तो कंप्लीट एयर फिल्टर हाउसिंग को भी खोल सकते हैं, बट यहाँ से काम बन जाता है, तो अभी मैं इसको पहले हटा दिया। एयर क्लीनर हाउसिंग खोलने के बाद आप डायरेक्टली कैम सेंसर को एक्सेस नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पे आपको ये इग्निशन कॉइल जो है इसको थोड़ा ढीला कर लेना है। ये देखिए कैम सेंसर लगा हुआ है और इसके जो बोल्ट से ये टाइट है, इस बोल्ट को आप खोल नहीं पाएंगे जब तक कि आप थोड़ा इस कॉइल को ढीला नहीं कर लेते। तो अभी मैंने कॉइल को थोड़ा ढीला कर लिया, अब देखिए इसको आराम से खोल पाएंगे। तो ये कैम सेंसर अभी बस मेरा बाहर आने वाला है और ये जैसे कि आप देख सकते हैं फाइनली कैम सेंसर मेरा बाहर आया और ये कैम सेंसर है। आप चाहें तो कुछ लोग शायद लगेगा कि ये क्लीन करने से भी काम बन जाता है, बट मैं तुक्के में विश्वास नहीं करता। शायद क्लीन करने से दो दिन चल जाए लेकिन तीसरे दिन ये गाड़ी में प्रॉब्लम करेगा, बट आप चाहें तो एक बार इसको क्लीन करके भी देख सकते हैं। सॉरी तो ये जो कैम सेंसर है इसको अभी हम बदल के नया इसमें डालेंगे और ये कैम सेंसर को मैंने यहाँ पे रखा, जो मेरा नया सेंसर है ये देख सकते हैं, ये नया सेंसर को अभी हम गाड़ी में फिटिंग करेंगे। ओके इसको फिटिंग कर दो। तो जैक का वो जैक हमने कनेक्ट कर दिया। कैम सेंसर फिटिंग करने के बाद हमें सिंपली जो इग्निशन कॉइल की तीनों 12 नंबर बोल्ट हमने खोले थे इसको प्रॉपर टाइट कर देना है। जो होर्स हमने खोले थे एयर फिल्टर की उसको प्रॉपरली फिट करके इसको फिक्स कर देना है। और ये फिक्स होने के बाद IAT सेंसर सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कई बार ये लोग भूल जाते हैं तो इसके वजह से भी कोड जनरेट होने की एक चांसेस है, इसको भी अच्छा से फिक्स कर देना है। अभी हम गाड़ी को डायरेक्टली एक बार पहले स्टार्ट करके देखेंगे कि जो प्रॉब्लम था वो अभी सॉल्व हुआ कि नहीं। ये प्रॉब्लम मेरा सॉल्व हो गया है, बट अभी भी चेक इंजन का जो लैंप है ये ऑन है। तो चलिए अभी जो रीड फॉल्ट कोड है इसको एक बार करके देखते हैं। अच्छा जो कैम सेंसर का कोड है वो देखिए अभी ऑटोमेटिक मेरा ये डिलीट हो गया। इंटेक मैनिफोल्ड रनर कंट्रोल का जो प्रॉब्लम है ये अभी भी है, बट जैसे कि मैंने कहा था आपको कि इसके वजह से मेरा गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं फिर एक बार गाड़ी को स्टार्ट ऑफ किया और स्टार्ट ऑफ करने के बाद फिर वापस इसको इग्निशन ऑन करके अभी स्टार्ट करूँगा। गाड़ी मेरा स्टार्ट हो रहा है बट अभी भी इंजन का जो चेक लैंप है ये चेक लैंप ऑन है और यहाँ पर ये कोड शो कर रहा है। तो फिलहाल मैं एक बार फिर ऑफ करके ऑन करके इसकी जो कोड आ रहा है ये कोड क्लियर फॉल्ट कोड यस कंप्लीट। तो अब चेक इंजन का जो लैंप है अभी मैं फिर एक बार गाड़ी स्टार्ट करता हूँ। ये लाइट भी मेरा ऑफ हो गया। तो फिलहाल दोस्तों गाड़ी में जो प्रॉब्लम था स्टार्टिंग प्रॉब्लम ये लॉन्ग क्रैंकिंग का ये प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया है, बट यहाँ पे एक चीज और जो कंट्रोल सर्किट का जो रनर कंट्रोल का एक वाल्व का प्रॉब्लम दिखा रहा है वो प्रॉब्लम अभी भी गाड़ी में है और जिसके चलते मैं थोड़ा सा मतलब कंफर्म नहीं हूँ, बट चांसेस है कि जो चेक इंजन लैंप है ये फिर वापस चलते गाड़ी में जैसे ही चलेगा थोड़ा देर तो उसके बाद ऑन होने की एक चांसेस है। बट कस्टमर का जो मेन कंसर्न था ये जो लॉन्ग क्रैंकिंग वाला प्रॉब्लम ये लगभग सॉल्व हो गया, इतना कन्फर्म है। अब दोस्तों इस वीडियो में तो बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि मेरा आज का ये जो वीडियो है अगर आपके कभी भी काम में आए तो अच्छा ही होगा, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही ऑटोमोबाइल से रिलेटेड छोटे मोटे वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।